हेलो व्यूअर्स, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपका टाइम टेबल आ चुका है। लोक शिक्षण संचालनाएं मध्य प्रदेश की तरफ से त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल आते हैं, तो यह टाइम टेबल आपका त्रैमासिक परीक्षा का आ चुका है। आज दिनांक 12 सितंबर 2022 को यह टाइम टेबल आया है और शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी जारी करने विषयक यहाँ पे विषय दे रखा है। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा की समय सारणी मतलब टाइम टेबल उपलब्ध हो गया है। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा 8:30 से 11:30 होगी और 10वीं और 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। तो हम देख लेते हैं कक्षा 10वीं का टाइम टेबल। तो कक्षा 10वीं का टाइम टेबल हम देख लेंगे, तो यहां पर दे रखा है कक्षा 10वीं समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। तो सबसे पहला जो पेपर है आपका 7 अक्टूबर 2022 से आपकी एग्जाम होगी, जो कि 19 सितंबर से होने की बात हमने कही थी कि 19 सितंबर से होने की संभावना है, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आपकी जो एग्जाम है वह होनी थी, लेकिन अब जो है टाइम थोड़ा बढ़ गया है। आगे 7 अक्टूबर से आपकी एग्जाम है। शुक्रवार को आपका पहला पेपर अंग्रेजी विषय का है और कक्षा 10वीं की त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी के सारे वीडियो चैनल पर आने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के, तो आप उनको देखकर भी अपनी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हो। तो 7 अक्टूबर को शुक्रवार को अंग्रेजी का पहला पेपर है आपका। इसके बाद 10 अक्टूबर सोमवार को गणित का पेपर है और जिनका म्यूजिक और पेंटिंग विषय है उनका भी पेपर है इसी दिन। इसके बाद 11 अक्टूबर मंगलवार को हिंदी विषय का पेपर है। 12 अक्टूबर बुधवार को NSQF वोकेशनल कोर्स, तो जिनके भी वोकेशनल कोर्स ले रखे हैं वोकेशनल कोर्स का जो जो भी कोर्स है उन सभी का पेपर 12 अक्टूबर को होगा। इसके बाद 13 अक्टूबर गुरुवार को विज्ञान विषय का पेपर है। 14 अक्टूबर शुक्रवार को संस्कृत उर्दू मराठी गुजराती पंजाबी सिंधी विषय का पेपर है। इसके बाद 15 अक्टूबर शनिवार को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपके पेपर के बीच में छुट्टियां ज्यादा नहीं है, केवल यहाँ गणित के पेपर में 2 दिन की छुट्टी है, 7 के बाद 8 और 9 2 दिन की छुट्टी है। इसके बाद 10 के बाद 11 को सीधा हिंदी का पेपर है, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हिंदी की तैयारी और बाकी विषयों की तैयारी आपको पहले से ही अच्छे से करके रखनी है कि आप एक ही दिन में उनका रिवीजन कर लो। इसके बाद 12 अक्टूबर को वोकेशनल कोर्स वालों का जो पेपर है, तो यहाँ पे एक दिन का गैप मिल जाएगा जिनका वोकेशनल कोर्स विषय नहीं है। 13 तारीख को विज्ञान विषय का पेपर है, तो विज्ञान विषय में एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद 14 अक्टूबर को संस्कृत विषय का पेपर है और बाकी जो विषय है इनके, बाकी जो भाषा वाले विषय है उनका भी पेपर है, तो आपको इनकी भी तैयारी एक ही दिन में करनी पड़ेगी, तो इनकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी चाहिए। इसके बाद 15 अक्टूबर शनिवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसमें कि 4 विषय है और हमें यहाँ एक भी बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, तो हमें इनकी तैयारी पहले से करनी है। और सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आएंगे, जिससे कि आप सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान विषय की भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो विज्ञान विषय में अध्याय 1, 2 और 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो अभी आ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख सकते हो। और इसी के साथ हिंदी और अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और गणित के भी महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से कर सकोगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आप इसकी तैयारी करने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।